सभी बच्चों का स्वागत है सेशन में। तो बच्चों, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू LIC AAO नोटिफिकेशन। तो बच्चों, जैसे आप सबको पता है कि LIC ने 3 साल के बाद, मतलब 2013 में आया था इनका लास्ट, और फिर 2016 में आया था, और अब 2019 में WO की वैकेंसीज निकली है। तो हर 3 साल में हम कह सकते हैं कि LIC का नोटिफिकेशन निकलता ही निकलता है। तो 3 साल के बाद जो WO की वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हमारी तरफ से जो स्टडी प्लान हम लेकर आए हैं, विच इज डन बाय bankazetta.com एंड adda247 द बैंक एंड इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल, तो वो हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू LIC। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये कि कितनी टोटल वैकेंसीज निकाली है। 590 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें 350 है जर्नलिस्ट की, IT की है 150, चार्टर्ड अकाउंटेंट 50, एक्चुअरियल 30 एंड राजभाषा अधिकारी 10। जो एग्जामिनेशन है, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट जो आपको बताना चाहिए, एग्जामिनेशन जो बच्चों प्रिलिम्स का इसका होगा, वो एक्सपेक्टेड है 4th से 5th मई के बीच में, और मेंस का जो होगा वो होगा 28 जून। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में है कि सर, क्या अभी भी इसका फॉर्म फिलिंग चल रहा है? हाँ बच्चों, फॉर्म फिलिंग चल रहा है। लास्ट डेट जो है वो है 22 मार्च। ठीक है, अब आपके दिमाग में है कि सर, आपने प्रिलिम्स का एग्जाम बता दिया, मेंस का एग्जाम बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि लास्ट डेट 22 मार्च है, तो सर ओवरऑल जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर, उसमें कितने लेवल्स हैं? तो बच्चों, 3 लेवल्स हैं, 3 टायर हैं। सबसे पहला जो होगा वो प्री होगा, दूसरा टायर होगा जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे वो मेंस, और उसी दिन उनका डिस्क्रिप्टिव होगा, और जो मेंस और डिस्क्रिप्टिव को क्लियर करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विच इज द WO विल बी डन थ्रू अ 3-tier प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंट प्री रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होगा मेडिकल। ठीक है, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, और जिस तरीके से जो रिजर्वेशन में जो एज लिमिट का एग्जेम्पशन है वो है ही। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जैसे जर्नलिस्ट है, IT है, तो इनमें क्या सब में सेम क्वालिफिकेशन है, सब में अलग है? नहीं बच्चों, सब में अलग है। तो जिसमें मैक्सिमम बच्चा जो आई गेस जो भरेगा, दैट विल बी WO जर्नलिस्ट, क्योंकि इसमें मांग रहा है वो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, IT वालों में अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स, या अगर आपने MCA करा है, या अगर आपने MSc करा है कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपके पास, तो क्लियरली इसमें ये देखना कि ग्रेजुएशन भी है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। जरूरी नहीं है कि अगर आप BTech है कंप्यूटर साइंस है और आपने मास्टर्स नहीं करी, आप तभी फिल कर सकते हो, क्योंकि हर जगह यहां पे और है एंड कहीं भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स, या MCA हो या MSc कंप्यूटर साइंस हो, आप इसको फिल कर सकते हो। इसके अलावा देन वी हैव द WO चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, एंड कैंडिडेट शुड हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल्स एज प्रेजेंटेड बाय द ICAI। मतलब CA होने चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए, एंड देन यू हैव द एक्चुअरियल। तो एक्चुअरियल साइंस जो बच्चे होंगे उनको ऑटोमेटिकली पता होगा कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्लस इसके अलावा जो एक्चुअरियल साइंस में आपने, यू मस्ट हैव पास द CT1 एंड CT5 प्लस पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसमें कि आपका ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, बट आपने एक्चुअरियल साइंस के जो पेपर्स हैं वो CT5 पेपर्स तक आपने जो क्लियर है वो आपके होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें राजभाषा अधिकारी की, तो राजभाषा अधिकारी में अगर हम बात करें तो उसमें आपको MA चाहिए इन द इंग्लिश या हिंदी में। ठीक है, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे आप मेल लिखिएगा gopal.anand@adda247.com। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब जल्दी से एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं। बच्चों, पेपर पैटर्न जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स विच इज कॉमन फॉर ऑल द पोस्ट, तो उसमें 3 सेक्शन है, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, सेक्शन वाइज टाइमिंग है। इंग्लिश जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें पहली बार इन्होंने दिए हुए 18-18, बट आपको पता है कि 70 में से आपको एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। 70 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है,
और 70 में से आपकी इसमें कट ऑफ निकलेगी। और ऑब्वियसली ध्यान रखना प्रीलिम्स की कट ऑफ, प्रीलिम्स का जो मार्क्स आएगा वो आगे काउंट नहीं होता। ठीक है, तो प्रीलिम्स है, देन वी हैव द मेंस। मेंस में अगर हम देखें तो जो डबल ए वालों के लिए उसमें रीजनिंग रहेगा, 30 questions 90 marks और 45 minutes का टाइम है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 questions 60 marks, मतलब 3 marks का रीजनिंग होगा पर क्वेश्चन का, करंट अफेयर्स का 2 marks का। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन 30 questions 90 marks, 45 minimum क्वालिफाइंग मार्क, 40 minutes है, 20 minutes है, 40 minutes है। और जो इसमें जो एक बड़ा चेंज इस बार बच्चों में देखने को मिला है वो ये है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, मार्केटिंग मार्केट अवेयरनेस, जो कि इसमें नहीं है। मतलब इसमें तो आपका जीके और करंट अफेयर आएगा, बट यहाँ पे आपका जो आएगा वो फाइनेंशियल मार्केट भी पूछेगा और इंश्योरेंस भी पूछेगा। ये भी 60 मार्क्स का है और 20 मिनट्स का टाइम है, टोटल आपका 2 आवर्स रहेगा। फिर इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 30 मिनट्स का। ठीक है बच्चों, ये सब क्लियर है। अब अगर हम बात करें जो प्रोफेशनल वाले में है, वो सिर्फ एक चेंज है, 3 चीजें कॉमन है वहां पे, DI की जगह प्रोफेशनल नॉलेज पूछ रहा है इन IT, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड एक्चुअरियल। ठीक है बच्चों, और सेम अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज आपका इसमें इन मेंस फॉर राजभाषा में भी यही चेंजेस है। तो बच्चों पेपर पैटर्न सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अगेन मैंने आपको बता दिया, कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल करेगा @gopal.anand@247.com। अब हम आते हैं बच्चों, ये है हमारा गोल गवर्नमेंट जॉब, द स्टडी प्लान फॉर LIC AA। तो इस बार द प्लस पॉइंट इज दैट बच्चों के आपको ये स्टडी प्लान का कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, आपको ये कंटेंट मिलेगा bankersadda.com पे। और इसके अलावा सर इसका सेम कंटेंट का आपको वीडियो भी दिया जाएगा, मतलब इस बार हम आपको कंटेंट भी दे रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा Adda247 बैंक एंड इंश्योरेंस वाले चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो ये स्टडी प्लान लाइव हो चुका है, मंडे से हमने रिलीज करा है, ट्यूजडे से हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। नेम इज द गोल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इसके अलावा जो ये तो सारा फ्री कंटेंट है, कोई भी डाउट हो तो मेल आईडी मैंने शेयर कर दी है gopal.anand@247.com। इसके अलावा बच्चों हमने आपके लिए लॉन्च करे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस यहां से आपने सीख लिया बट आप प्रैक्टिस कहां से करोगे, हमने LIC AA की बुक्स किट लॉन्च करी है बच्चों। इसमें हमने प्री की भी लॉन्च करी है, IT वालों के लिए हमने प्री भी करा है और मेंस भी करा है। प्लस पॉइंट इज दैट इसमें हम इंश्योरेंस की भी ई बुक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम में भी बुक्स हैं। 3 बुक का सेट है फॉर प्रीलिम्स में, और IT में 4 बुक्स का सेट है, जहाँ पे हम ACE IT प्रोफेशनल नॉलेज की बुक भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा जो हमने लॉन्च करी है LIC AA की प्राइम टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिल रहे हैं 75 टेस्ट। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो आप देख सकते हो 25 फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीवियस ईयर है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है और इंश्योरेंस, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन या मॉक्स की हम कह सकते हैं फॉर LIC। और बच्चों इसके अलावा हमने लॉन्च कर दिया है हमारा ऑनलाइन लाइव बैच, क्योंकि 2 बच्चे होते हैं, कुछ तो ये होते हैं कि जिनको रिकॉर्डेड चाहिए, तो जिन बच्चों को रिकॉर्डेड चाहिए उनके लिए है LIC AA का वीडियो कोर्स, और जो बच्चे लाइव क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो बच्चों अमित सर, आकांक्षा मैम और आचल मैम का हमने लाइव क्लास भी हमने लॉन्च कर दिया है। और ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा बच्चों, ये आपको मिलेगा store.adda247.com पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पेड प्रोडक्ट्स है, बुक्स लॉन्च हो गए हैं, प्राइम टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, लाइव बैच है, इसके अलावा इसी के पीछे हमारा फ्री स्टडी प्लान है, जिसका वीडियो भी विच इज डन बाय और रिप्यूटेड फैकल्टीज, द बेस्ट फैकल्टीज, जो कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल Adda247 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे कंडक्ट हो रहा है। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के, तो बच्चों ये है मेरी ईमेल आईडी, डू कॉन्टैक्ट मी, माई आई डी इज gopal.anand@adda247.com। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।